हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाइब्रेट एजुकेशन। मुँ सरोज आप समस्त स्वागत करुच्चे। आज वीडियो रे आम टेन्थ क्लास पिलांकर आनुआल एग्जाम पे जियोमेट्री रो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो जोटा कि आम सेट वन डिस्कशन करुचे, या पूर्व आम तार पार्ट वन करें जो थी कि अल्जेब्रा सेटा को आम डिस्कसन करते। तो ये वीडियो में आम जियोमेट्री पार्टा को डिस्कसन करवा। तो वीडियो को शेष पर्यटन देखिए। वीडियो जब पसंद लगे वीडियो को लाइक करदे, शेयर करदे, सहित चैनल को जो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे, आउ कमेंट सेक्शन में जहाँ भी किसी डाउट रोक कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 एटी देखिए, देख जे त्रिभुज ए बी सी रे ए सी बी रो समद्विखंडक ए बी को एम बिंदु रे छेद करे। त्रिभुज ए बी सी रो समद्विखंड आमको धन्य हो गला ए बी सी त्रिभुज। ए सी बी रो समद्विखंड अर्थात सी कोण रो समद्विखंडक ए बी को एम बिंदु रे छेद करुचे। ए बी दे दीचे 10 सेंटीमीटर, ए टोटाल मूल्य दे दीचे 10 सेंटीमीटर, बी सी दे दीचे 12 सेंटीमीटर, ए सी दे दीचे 8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आम कहीपर जे जेहेतु त्रिभुज ए बी सी रो सी कोण रो समद्विखंडक ए एम, आम कहीपर ए सी बै बी सी इज इक्वल टू ए एम बै बी एम। क्लीअर है ये जिनसटा आम कहीपर। अच्छा, जब ये जिनस आम कहीपर ताल ए सी बै बी सी, ए सी रूल्य के ए सी रूल्य के देख पी ये 8, बी सी रूल्य है 12। तो 8 बै 12 इज इक्वल टू ए एम बै बी एम। तो ये आम एम एम बै बी एम बा ए एम आउ बी एम रेसीओ पाइपर के 2:3, 4 कैनसल कर 2 ये गला 3। तो 2:3 हो गला आमर ए एम आउ बी एम रेसीओ। अच्छा, तो बर्तमान देख ये जो ए एम आउ बी एम मिसीगले के बी हो ए मूल्य टोटाल आमको देखिए 10 दे टोटाल ए मूल्य जेहतु 10 दे। तो ये रेसीो के एम आउ बी एम को आड करदेला 3 आउ 2 आड करदे के आमर ना 5 हो। कि आकचुआल आम मूल्यटा के 10 दे। अच्छा, जदि 5 रूल्य हो जा 10 तेल 1 मूल्य के 1 मूल्य 2 हो। देखो मन रखिए रेसीओ अनुसार जब 5 मूल्य हो 10 तेल 1 मूल्य हो 2। जेहे 1 मूल्य हम 2, क्वेश्चन आमको पचारिता कह मूल्य क्वेश्चन आमको भैल्यू पचार एम रैल्यू पचार। देख एम रैल्यू पचार। अच्छा, ये रेसीओ एम रैल्यू के 2 अच्छे, तेल जब 1 मूल्य 2 है तो 2 मूल्य के 2:2 इज इक्वल टू 4। तेल एम रैल्यू के 4 हो, जोटा कि अच्छे सेकेंड अप्सन आम आंसर। देखो ये क्वेश्चन को बेसिक जो करवा आगे लेंथी हम एम ए बी एम रे 1 आड करवापर से रेसीओ मेथड करदे बहुत बेटर हम। तो आपड़ी भाव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो आम क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक सुषम दशभुजर प्रत्येक बाहु यार परिवृतर केन्द्र ठार उत्पन्न कर केन्द्रस्थ कोणर परिमाण के। अच्छा, देखो केन्द्र केते डिग्री उत्पन्न हो टोटाल हो 360 डिग्री देखिए के दशभुज देखिए सुषम दशभुज 10 डिवाइड कर दियो तो 36 डिग्री आमको मिल जाए आंसर, जोटा कि अच्छे ऑप्शन डी हो आंसर। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गोटे वृत्तर दुईट असमांतर जेहार समद्विखंडक लंब छेद बिंदु क्यों अवस्थित रहा ना यहाँ गोटे व्यासर मध्यबिंदु रहा। देख असमांतर जेहा होगा तो ये गोटे असमान ये गोटे जेहा धन्य वृत्तर ये गोटे भी जेहा। अच्छा, से कौन कहला यहाँ समद्विखंड लंब देवे यार धन्य समद्विखंडक ये लंब अंकन कले यार देख समद्विखंड ये भी लंब अंकन कले। अच्छा, ये जोटा कोई बिंदु रहा वृत्तर केन्द्र रहा देख ये हो कौन वृत्तर व्यास। तो ये क्या पर ना गोटे वृत्तर व्यासर मध्यबिंदु पर रहा ये भी वृत्तर व्यास हम तार मध्यबिंदु केन्द्रबिंदु सेटा हो बुझेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, देख 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्तर केन्द्र ठार वृत्तर 16 सेंटीमीटर दीर्घ एक जेहा प्रति अंकित लंबर दर्घ्य के सेंटीमीटर हम। अच्छा, देख 10 सेंटीमीटर देखिए गोटे वृत्तर व्यासार्ध दे 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जेहा दे जेहार वृत्तर जेहार दर्घ्य दे 16 सेंटीमीटर ये जेहा जो हो 16 सेंटीमीटर केन्द्र रु अंकित लंबर आमको कौन पचार दर्घ्य पचार। अच्छा, ये वृत्तर व्यासार्ध हो वृत्तर व्यासार्ध के 10 सेंटीमीटर दे दीजिए। अच्छा, देखो ये ही गला टोटाल होगा 16 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जदि लंब होता ये समद्विखंड कर अर्थात ये तक हो 8 बुझेगा ये पोर्सनटा के समद्विखंड करवा ना। तो ये हो 8 ये गला 8 तेल ये 10 ये 8 तेल ये कोणटा के 10 स्क्वायर के 100 माइनस 8 स्क्वायर के 64 100 माइनस 64 जोटा कि आमर 36 36 क्यूब रूट बाहर सॉरी स्क्वायर रूट बाहर करदे जोटा कि 6 तेल इयर मूल्य के 6 पाइथागोरस आम लगेदे बुझेगा। तो ये आंसर हो 6 ना डायरेक्ट आपलेट यूज कर 3, 4, 5 देख 3 दिगुणा करदे 6 हो 4 दिगुणा कले 8 हम आ 5 दिगुणा कले 10 हो। तो
गोटे जदि आठ हो दस हो तार कितने छः होता वृत्तर केन्द्र रू तार दूरता कितने छः सेंटीमीटर हो जोटा कि अच्छे ऑप्शन से आम आंसर क्लियर। द नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन एबीसी वृत्तर केन्द्र ओ दे देख ये वृत्त दे ये जो एबीसी वृत्तर केन्द्र दे ओ ताले बीवाईसी चाप दे 140 डिग्री बीवाईसी चाप देख गोटा यहाँ हूँ बीवाईसी चापर डिग्री परिमाप यहाँ दे आमको 140 डिग्री दे बीएससी के पचे देख ये बीएससी अच्छा ये तार विपरीत चापर अंतलिखित कौन अंतलिखित कौन है यार डिग्री परिमाप अधा हम अर्थात 140 अधा हो गले ये हो 70 डिग्री ऑप्शन डी होगा ये आंसर। देन नेक्स्ट दे 32 नंबर 32 नंबर ये गोटे वृत्तर एक चापर दैर्घ्य व्यासार्ध सहित सामान यही चापर परिपूरक चापर अंतलिखित कोण परिमाण कत बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये हूँ गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन देख ध्यान सहकार बुझ गोटे वृत्त दे दे आमको बुझला वन सेकेंड अच्छा देख आम गोटे वृत्त दे दे गोटे वृत्त देदेला अच्छा से कौन कह वृत्तर एक चापर दैर्घ्य व्यासार्ध सहित सामान अच्छा धन्य ये चापर दैर्घ्यटा व्यासार्ध दैर्घ्य सहित सामान अच्छा वृत्तर व्यासार्ध धन्य आर ये आर ये आर ताल ये चापर दैर्घ्य मत कहते आर हो कह वृत्तर अंतलिखित कोणर परिमाण अर्थात यही कोणर परिमाणटा पचार थीटार मूल्य आमको पचार आम जाने वृत्तर चापर दैर्घ्य फर्मूला कौन एल एल इज इक्वल टू थीटा बाय 180 इंटु फाइव आर ये हूँ कह दैर्घ्य ना वृत्तर चापर दैर्घ्य अच्छा जदि आम एल जगार आर फुट करवा कहीं एल मूल्य दे दे आर सहित सामान चापर दैर्घ्य आर दे दे तो आर इज इक्वल टू थीटा बाय 180 इंटु पाई आर देखो ये आर आर कैनसल हो गला तो थीटार मूल्य के मिल जाए आमको थीटा थीटा पड़े पाई बाय 180 फुट को आसो तो 180 बाय पाई हो अच्छा तेल यही कोण मूल्य आमको मिलगला 180 डिवाइडेड बाय पाई 180 डिवाइडेड बाय पाई तो क्वेश्चन कौन दे विपरीत परिपूरक चाप अच्छा परिपूरक चाप दे परिपूरक चापर अंतलिखित कोण परिमाण तो परिपूरक चाप किए हम ये बड़ चापटा हो परिपूरक चाप यार अंतलिखित कोण परिमाण के यहाँ हम अंतलिखित कोण तो ये हो यार अधा 180 बाय पाई अधा 180 बाय पाई अधा है 90 बाय पाई जोटा कि अच्छे हमारा ऑप्शन बी हो आंसर क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 दे बीजेड सी वृत्तर केन्द्र ओ दे चित्रटा देख दे अच्छा ये चित्र केन्द्र दे दे ओ वृत्त प्रति अंकित एरु वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक द्वारा स्पर्श बिंदु बी ओ सी बीएससी कोण दे 64 डिग्री अर्थात ये कोणटा मुझे 624 डिग्री हेले बीजेड सी चाप कोण पचार बीजेड सी मैंने देख ये गला बी ये जेड सी ये चापर कोण परिमाण पचार संतुलित कोण अर्थात अर्थात ये कोण परिमाण आमको पचार देख ये बर्तन हो गला कौन गोटे वृत्तांत लिखित सॉरी बर्तमान ए ए बी ओ सी ये गोटे चतुर्भुज ये चतुर्भुज हेल्ले ये कोण परिमाण के डिग्री हम 90 डिग्री हम कहीं ये हूँ वृत्तर स्पर्शक बी हूँ वृत्तर स्पर्शक तो ये जो 90 डिग्री ये भी कितने 90 डिग्री कहीं सी हूँ वृत्तर स्पर्शक ओ सी हूँ स्पर्श बिंदु कहीं लंब ये गला 90 डिग्री अच्छा ये गला 90 ये गला 90 तो टोटल कितने 180 डिग्री प्लस ये गला 64 तो 180 प्लस 64 जोटा कि 244 अच्छा ये गला 244 अच्छा ये कोणटा पचारे ना ये कोणटा कितने ना टोटाल गोटे चतुर्भुज केन्द्र के डिग्री कौन सरी चारिकोण समस्त के चतुर्भुज 360 डिग्री तो 360 244 आम माइनस कले बाकी जो कोणटा रहा जो कोणटा मुझे पचारे ये कोणर परिमाण आम पाई 360 244 कले आम पाइबर 116 डिग्री तेल ये जो कोण पचारा बीजेड सी चापर डिग्री परिमाप कहते ये 116 डिग्री जोटा कि अच्छे फर्स्ट ऑप्शन ये आंसर क्लियर ये तब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 परस्पर को बहिस्पर्श करुवा परस्पर को बहिस्पर्श करुवा देख दुटा वृत्त परस्पर को बहिस्पर्श कर सर्वाधिक कतोटी साधारण स्पर्श अंकन कर ये गोटे दुईटा एमती गोटे तो तीन टा सर्वाधिक तीन टा साधारण स्पर्श अंकन कर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दे 35 आर एकक व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्तर केन्द्र ठार् पी एकक दूरता देखा एक बिंदु उक्त वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक खंडर दैर्घ्य केते एकक हेबो अच्छा दे कौन आर एकक व्यासार्ध विशिष्ट ये व्यासार्ध दे आर धन ये आर तो ये ठू पी एकक दूरतार अच्छे गोटे वृत्तर बहिस्थ बिंदु से अंकित स्पर्श खंड दैर्घ्य पचार देख स्पर्श खंडर दैर्घ्य केते आमको पचार तो ये लंब ये ये गला लंब तो ये जो कर्ण कर्णर दैर्घ्य दे पी सरी एटा दूरता दे पी एटा बिंदु बहिस्थ बिंदु ये दूरता दे पी अच्छा व्यासार्ध के व्यासार्थ है तो ट्रिपलेट यूज कर सरी पाइथागोरस यूज करवा तो पी स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर रूट ओवर हो गला हमको मिल जाव कौन तार स्पर्श खंड दैर्घ्य जोटा कि ऑप्शन सी हो आंसर। तापर नेक्स्ट नेक्स्ट देसी जदि गोटे सामांतरिक चित्रर प्रत्येक शीर्षबिंदु एक वृत्त उपर रहे तेज निम्नस्थ के चित्र मिले जो सामांतरिक चित्र वृत्त उपर हो वृत्तर अंतलिखित हो सामांतरिक चित्रटा आयत चित्र हो रंबस से वर्ग चित्र हो जाए क्लीयर। 37 नंबर देसी दुईटा अंतस्पर्शी वृत्तर व्यास डी वन और डी टू सेंटीमीटर से केन्द्रद्वय मध्य दूरता के अंतस्पर्शी वृत्त दे मैंने ये गोटे वृत्त भितर आउ गोटे वृत्त स्पर्श कर अच्छा दुटा अंतस्पर्शी वृत्त है वृत्तर व्यास डी वन डी टू अच्छा जब वृत्तर व्यास देला डी वन डी टू तो केन्द्रद्वयर मध्य दूरता केन्द्रद्वय मध्य दूरता कौन हम ना आर वन माइनस आर टू बड़ व्यासार्धार सान व्यासार्ध माइनस करेंगे कि क्वेश्चन आमको व्यास अर्थात डी वन माइनस डी टू बै टू आवरेज बाहर पड़े तो डी वन माइनस डी टू बै टू होटा कि ऑप्शन सी होगा ये हमारा आंसर तक भितर दूरता के बाहर था ना आर वन माइनस आर टू हेल्ले मिलजो कि जेहेतु आमको व्यास देता तो डी वन माइनस डी टू बै टू करदे आमको भितर दूरता मिल जाव। नेक्स्ट 38 देसी 28 मीटर दीर्घ खंडे तारू 7 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट केतोटी वृत्त तैयारी करापर अच्छा के आमको 28 मीटर दे दी गोटे तारर दैर्घ्य 88 मीटरटा के 8800 सेंटीमीटर से तारू के सेंटीमीटर कौन करा 7 सेंटीमीटर व्यासार्ध तैयार करा व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त तैयार करा से देख यो 7 सेंटीमीटर बाला आम कौन करे वृत्त तैयार करे तार पेरीमीटर तार जो आम कहे कौन वृत्तर परिधि तार परिधि जीक बाहर यार टोटाल परिधि मैंने ये 7 सेंटीमीटर जितेटा भी जिनस या तार परिधि यार परिधि सहित इक्वाल हम तो 7 सेंटीमीटर बाला जब आम वृत्त तैयार करे परिधि के 22 व्यक्त 7 इंटु 2 पाई आर ना वृत्तर परिधि है 2 पाई आर 2 इंटु 22 व्यक्त 7 इंटु आर होगा 7 7 7 कैनसल ये गला 44 सेंटीमीटर तेल जो गोटे वृत्त से तैयार करवा तार परिधि के तार परिधि हो 44 मीटर सॉरी 44 सेंटीमीटर जो ये 44 सेंटीमीटर हो गला तार दैर्घ्य टोटाल होचे 8800 सेंटीमीटर ताले ये 44 सेंटीमीटर वाला हमें केतेटा तैयार करि परिबा ना 8800 डिवाइडेड बाय 44 तो 44 2 गुणा 88 तो 200 टी वृत्त हमें तैयार करि परिबा ऑप्शन डी हो गला एठी आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 एट दे छी गोटे वृत्तकलार क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर संपृक्त चापर डिग्री परिमाप 120 डिग्री हेल्ले व्यासार्ध के सेंटीमीटर हो अच्छा देखो थीटा देदेले हमको 120 डिग्री आउ वृत्तकलार क्षेत्रफल वृत्तकलार क्षेत्रफल फर्मुला कौन ना हाफ इंटु एल इंटु आर तो हाफ एल आर मूल्य हमको दे दीजिए तो हाफ इंटु एल हो गला थीटा बाय 180 इंटु पाई रो मूल्य होगा 22.7 इंटु आर रो मूल्य हमको देनी किसी तो थीटा जगह अच्छा ठीक अच्छे थीटा जगह 120 डायरेक्ट पुट करदे 120 इंटु हाफ इंटु एल आर हाफ इंटु एल आर फर्मुला हाफ इंटु एल एल फर्मुला थीटा बाय 180 इंटु पाई आर पाई एला 22.7 इंटु आर आर आम किसी देनी तो ये आर इंटु ये गोटे आर अलरेडी थी इंटु आर यार परिमाण दे दीजिए कि 1848 दे दीजिए देख ये दे दीजिए 1848 अच्छा क्लीयर देख तेल आम यू कौन कर देख ये 120 जीरो जीरो कैनसल छः कैनसल कल छः दुगुण बार छः तीर अठर ये दुई दुई भी कैनसल तो आमको ये मिलगला 22 डिवाइडेड बाय 3 इंटु 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1848 क्लीयर ये देख सारे एक डायरेक्ट नहीं सेपट कौन करवा गुणीदा तो 1848 इंटु 21 डिवाइडेड बाय 22 22 रे डिवाइड कले ये कहार मूल्य मिले आमको ना आर स्क्वायर मूल्य मिल जाव अच्छा 1848 को 11 कैनसल कले 11 के 11 बढ़ला ना 7 7 ले 74 1166 8 1188 168 22 को 11 काटले 11 दुने 22 तो आर स्क्वायर मूल्य हैला 168 बाय 2 अच्छा तो आर स्क्वायर मूल्य जदी 168 बाय 2 हैला त आर स्क्वायर इज इक्वल टू 168 रो अधा केते हिजो डिवाइड करा हिजो 2 तो ये हिजो हमरो 21 मल्टीप्लाई सॉरी ये 21 मल्टीप्लाई थला तो 180 इंटु 21 रहबो ठीक अछि तो आर स्क्वायर मूल्य केते 84 इंटु 21 अच्छा 84 को 12 इंटु 7 लिखि परबा आउ 21 को 7 इंटु 3 लिखि परबा ये होला आर स्क्वायर मूल्य ताले आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 36 36 गुणन 49 तो आर इज इक्वल टू 36 रो स्क्वायर रूट होला 6 49 स्क्वायर रूट होला 7 6 7 42 ताले आर मूल्य केते बाहर गला एठा हमर 42 बाहर गला तो क्वेश्चन हमको पचार थला कोन जे व्यासार्ध केते व्यासार्ध दै जाछ हमर 42 सेंटीमीटर जोटा ऑप्शन बी अछि एटी आंसर क्लियर आशा कर बुझी पार्थ जो भी न बुझी पार्थ कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आउ आपर कौन दरकार कौ भिड दरकार से कमेंट सेक्शन कमेंट करें जो इंपोर्टेंट टॉपिक किसी दरकार फॉर्मूला दरकार डिटेल्स वीडियो दरकार तो निहाती कमेंट सेक्शन कमेंट करें जोटा कि आपको प्रोवाइड कर दिजाव प्लीज चैनल को सब्सक्राइब।
सेव करदे बुझेगा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 देजे एठी 18 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्धवृत्त आकृतिर कागज खंड को एक बृहत्तम कोन परिणत कले कोनटीर आधार व्यास के सेंटीमीटर। अच्छा देख गोटे कोन अर्धवृत्त ना तो अर्धवृत्त हेल्ले ये अच्छा अर्धवृत्त जेहेतु अर्धवृत्त से कौन कर बोड़ी आम गोटे कोन तैयार करदी कोन तैयार कले तो अर्धवृत्तर आम कौन कहले गोटे कोन तैयार कले जेहेतु कोन तैयार कले यहाँ बुले जाव ना देख ए भाया हो तो ये बर्तमान ये तल जोटा रहा कोन रधार ये गोटे वृत्त कोन आधार ये गोटे है वृत्त यार जो सर्कमफेरेन्स है यार सर्कमफेरेन्स परिधि धरने ये छोटो मान आधार व्यासार्ध हूँ आर आउ यार व्यासार्ध हूँ बड़ आर कैपिटाल आर है अर्धवृत्तर व्यासार्ध हो गला कैपिटाल आर आउ कोन आधार हो गला कैपिटाल आर रेडियसटा बुझेगा ये बुझेगा ना तो यार जो रेडियस है यार जो परिसीमा कह रोन रोन आधार जोटा परिसीमा से कितने ना टू पाई आर हो अच्छा ये टू पाई आर टा क्या सहित सामान यार चापर दैर्घ्य चापर दैर्घ्य सहित सामान बुझेगा बुझेगा ना ये चापर दैर्घ्य सहित से सामान हम ये चापर दैर्घ्यटा कितने देख ये चापर दैर्घ्य कितने आम जानते अर्धवृत्तर परिसीमा के पाई आर प्लस टू आर अच्छा यहीटा हूँ टू आर ये टोटालटा हूँ ये टू आर जदि ये गला टू आर तेटा के पाई आर ताल टू पाई आर टा क्या सहित सामान पाई बड़ आर सहित सामान कहीं अर्धवृत्तर व्यासार्ध आम नहीं बड़ आर पाई पाई ये कैनसल हो गला तो टू आर इज इक्वल दैट आर इज इक्वल टू टू स्मॉल आर अच्छा ये कैपिटल आर मूल्य केमुक दे दीजिए अठर सेंटीमीटर तेल अठर इज इक्वल टू टू आर ये टू आरटा कौन ना ये कोन र्यास टू आरटा कौन कोन र्यास क्वेश्चन पचार कौनटर आधार व्यास के तो कौन आधार व्यास होगा कितने सेंटीमीटर से ही अठर सेंटीमीटर होती आंसर जोटा कि अच्छे फास्ट ऑप्शन देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है जो डाउट रही निहत कमेंट सेक्शन कमेंट कर डाउट क्लीयर होपर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए गोटे सिलिंडर आधार व्यासार्ध उच्चता सामान अच्छा कौन आधार व्यासार्ध उच्चता सह सामान अच्छा सिलिंडर आधार सॉरी सिलिंडर आधार व्यासार्ध उच्चता गोटे कोन आधार व्यासार्ध उच्चता सहित सामान है आयतन अनुपात सिलिंडर आयतन के पाई आर स्क्वायर एच कोन आयतन के वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच देख आधार व्यासार्ध उच्चता दुईटा को सहित सामान तो पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच कैनसल हो तो ये रहा कितने वन बै वन बै थ्री थ्री पूर्व पड़ा थ्री इज टू वन आम आंसर जोटा कि अच्छे ऑप्शन ए होगा ये आंसर क्लियर है थी देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 ये आमको जो गोटे सिलिंडर आकृति खोला कुंडर भितर पाखर व्यासार्ध गोटे मीटर 40 सेंटीमीटर उच्चता 1 मीटर है एतिवेश घन मीटर पा रखता आयतन जीक हम से घन मीटर पा रहा सिलिंडर आयतन कौन सिलिंडर आयतन कौन रहा पाई आर स्क्वायर एच तो पाइर मूल्य कितने गला वाइस व्यक्त सात इंटू आर के ना गोटे मीटर 40 सेंटीमीटर जोटा कि आम 1.4 इंटू 1.4 बोली मेनसन कर तार स्क्वायर हम आर स्क्वायर इंटू एच है गला 1 मीटर इंटू 1 तो या सिंप्लीफाई कले मिल जाव 7×14 जोटा कि 0.2 तो 1.4 को 0.2 रे गुणले के 22 इंटू 0.28 तो 22 को 0.28 रे मल्टीप्लाई कले आम पाइबा के 6.16 आंसर के 6.16 घन मीटर पानी रही है जोटा कि ऑप्शन डी अच्छे आमर ये आंसर क्लीयर थी। तापर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा क्वेश्चन नंबर 43 कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री अप टू कॉस 100 डिग्री देखो मझे गोटे थी कॉस 90 डिग्री कंपलसरी रही है कहीं कॉस 1 रू कॉस 100 जाए मल्टीप्लाई करा अच्छा कॉस 90 मूल्य कितने कॉस 90 मूल्य गला 0 तो या पूर्वर किसी संख्या अच्छी या पूर्व किसी संख्या अच्छी सब गुड़ा गुण नौ मझे रहा 0 0 सहित मल्टीप्लाई कराला तो आंसर कितने मिले 0 0 को जेको संख्या सहित गुणिले आंसर हम 0 ए बी से समगुण त्रिभुज बी गुण दे 90 डिग्री देखो यही भाव देखो बी गुण होगा 90 डिग्री ए गुणा जो 90 डिग्री देदेला से देखिए साइन ए माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 अच्छा साइन ए माइनस सी जो 1/2 है आम कहीपर साइन 30 मूल्य के साइन 30 मूल्य है 1/2 अर्थात तरह ए माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री बुझेगा तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री से देखिए ए रिमाण के हम जेहतु ए बड़ तेल ए माइनस सी कराई ए रूल्य 60 डिग्री हेले जाए सी ए ए रूल्य 60 डिग्री हेले सी रूल्य के 30 डिग्री हम ताल जाए माइनस कले आमको मिल बुझेगा तो ए माइनस सी होगा 60 डिग्री ताल सॉरी
ए मूल्य के षाठी डिग्री तेल ए रूल्य के ना षाठी डिग्री बुझेगा तो कौटाला ऑप्शन डी ऑप्शन डी होगा ये आंसर क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 है पी दे ग्रेटर दैन 90 डिग्री पी परिमाण के ग्रेटर दैन 90 डिग्री साइन पी दे कॉस क्यू अच्छा साइन पी कॉस क्यू हेले आम जानते साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 120 के रूट 3/2 जोटा कि कॉस 30 सहित सामान तेल पी होगा 120 आउ क्यू होगा 30 तेल पी माइनस क्यू तो 120 माइनस 30 तो जोटा कि आमको मिले के 90 ऑप्शन डी होगा ये आंसर क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे साइन ए 5/13 आम जानते साइन थीटा पी वाई एच जदि पी आउ एच रूल्य दे 5/13 अर्थात पी होगा 5 पी है 5 एच होगा 13 तेल ट्रिपलेट मन अच्छे 5, 12, 13 ये हूँ ट्रिपलेट जार मन ना आम कौन करवा 13 स्क्वायर करवा माइनस 5 स्क्वायर करवा जी बाहर सेटा हो कौन बी रूल्य बुझेगा तो 13 स्क्वायर है 169 माइनस 25 169 25 कले 144 144 स्क्वायर रूट के 12 तेल 12 होगा बी बी इज इक्वल टू 12 तो क्वेश्चन पचार कट ए कट थेटा के बी बै पी कट थेटा है बी बै पी तो बी के बी होगा 12 पी होगा 5 तो 12 बै 5 होमर ये आंसर क्लीयर अप्सन सी होगा ये आंसर आशा कर बुझीपे बुझेगा जदि भिड स्पीड हो जाए तो निहत कमेंट सेक्शन मेनसन करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 गोटे स्थान एक अट्टािकार उच्च देख गोटे स्थान ये है कौन सी शीर्ष कौन सी अट्टािकार शीर्षर कौणिक उन्नति परिमाण 15 डिग्री अर्थात मैंने ये कौणिक उन्नति ये कौन परिमाण आपको दे 15 डिग्री है से कहते उक्त अट्टािकार शीर्षर से ही स्थान कौणिक अवनतिर परिमाण के अर्थात यहाँ अट्टािकार शीर्ष कोणटा आमको बचे ये कोणटा कैसे डिग्री हम जब ये 15 डिग्री तेल ये हम 15 डिग्री तो कौणिक अवनतिर परिमाण के 15 डिग्री ऑप्शन सी होगा ये आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए त्रिभुज एबीसी सदृश त्रिभुज डीएफ जदि एबी है 12 सेंटीमीटर एसी है 9 सेंटीमीटर डी है 6 सेंटीमीटर तर डीएफ के बी बै जेहतु त्रिभुज दुटा सदृश आम कहीपर एबी बै डी इज इक्वल टू एसी बै डीएफ क्लीयर है क्वेश्चन आमको डीएफ रूल्य पचार अच्छे तो एबी दे आमको 12 डीई दे 6 इज इक्वल टू एसी दे 9 बै डीएफ डीएफ रूल्य पचार अच्छे तो ये गला 6 कैनसल कर 2 क्रस मल्टीप्लाय करदे आमको मिल जाए डीई इज इक्वल टू 9/2 टा के 4.5 आंसर के बाहर 4.5 फर्स्ट ऑप्शन आमर ये आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दत्त चित्र डीई पारालाल बीसी दे दे एडी बै डीबी दे अच्छा देख बर्तमान त्रिभुजा दे देना एडी डीबी रेसीओ दे एबी जो एडी है 2 डीबी है 3 तेल टोटालटा कहीपर 5 अच्छा ये दुटा त्रिभुज सदृश हो डीई आउ त्रिभुज ए बी सी ए दुटा को त्रिभुज सदृश हो जो सदृश है तेल से क्षेत्रफल अनुपात कौन हम ना अनुरूप बाहर वर्गानुपात सहित सामान हम तो वर्गानुपात है एडी केडी हो 2 तेल त्रिभुज एडी र क्षेत्रफल बै त्रिभुज ए बी सी मैंने छोट त्रिभुज और बड़ त्रिभुज क्षेत्रफल के अनुरूप बाहू वर्गानुपात तो यार अनुरूप बाहु ये होगा 2 एडी अनुरूप ए बी तो एडी है 2 स्क्वायर है 4 आउ ये 5 स्क्वायर के एबी स्क्वायर एबी है 5 स्क्वायर है 25 अच्छा तेल ये गोटे जिनस देख मार्क कर ये जो छोट त्रिभुज रहा ना एडी त्रिभुज रहा ये ये त्रिभुज यार क्षेत्रफल के 4 होगा जदि ये होगा 4 तेल टोटालटार क्षेत्रफल के 25 देखिए ये ट्रापिजियम क्षेत्रफल के ट्रापिजियम क्षेत्रफल 25 माइनस 4 जोटा कि हम 21 क्वेश्चन पचार त्रिभुज एडी क्षेत्रफल ट्रापिजियम क्षेत्रफल त्रिभुज एडी एडी क्षेत्रफल है 4 ट्रापिजियम क्षेत्रफल है 21 तो 4/21 होगा ये आंसर जोटा कि अच्छे फर्स्ट ऑप्शन ये होगा आंसर। देन आम लास्ट क्वेश्चन आज ये सेट रेष प्रश्न देखिए त्रिभुज पी क्यूआर पी एक समकोण पी बिंदु क्यूआर बाहू प्रति अंकित लंब द्वारा दत्त त्रिभुज केते जोड़ा भिन्न सदृश त्रिभुज परिणत हो ये तीन जोड़ा भिन्न त्रिभुज परिणत हो